नमस्कार दोस्तों, आज हम बनाएंगे भरवा तुरई। भरवा तुरई को बिना मेहनत के कम समय में आसानी से बनाएंगे, तो चलिए रेसिपी शुरू करते हैं। यहाँ मैंने 300 ग्राम तुरई लिया है। अब इसका टॉप और बॉटम निकाल लेंगे और इसे इस तरीके से छील लेंगे। दोस्तों, भरवा तुरई हम बिना प्याज लहसुन के, बिना मूंगफली बेसन के बनाएंगे और इसमें मसाला पीसने का भी झंझट नहीं है। बिल्कुल सिंपल तरीका है और मैं ऐसे ही भरवा तुरई बनाती हूँ। यहाँ मैंने सारी तुरई छील ली है, तो अब इसे लेंथ के हिसाब से 3 से 4 हिस्से में डिवाइड करेंगे और अब हर हिस्से को 2 या 4 पार्ट में ऐसे डिवाइड कर देंगे। अगर हिस्सा पतला है तो 2 पार्ट करेंगे और अगर मोटा है तो 4 पार्ट कर देंगे। इस तरीके से तरोई को कट कर लेंगे और यहाँ पे सारी तरोई को बराबर हिस्से में काट लिया है, तो अब इसका मसाला तैयार करेंगे। अब एक बाउल में 2 टेबल स्पून धनिया पाउडर, 1/2 टेबल स्पून हल्दी पाउडर, थोड़ा सा नमक, 1 टेबल स्पून कश्मीरी लाल मिर्च, 1 टेबल स्पून जीरा पाउडर और 1 टेबल स्पून गरम मसाला डालेंगे। अब सारे मसालों को अच्छे से मिला लेंगे और ये है इमली का पानी, ये लगभग 4 टेबल स्पून है। इसे मसाले में डाल देंगे, थोड़ा थोड़ा करके डालें। इसकी जगह आप आमचूर पाउडर या नींबू का रस भी यूज कर सकते हैं। स्टफिंग रेडी है, तो चलिए तरोई में मसाला भरते हैं। तो देखा आपने स्टफिंग तैयार करना कितना आसान है। इसमें कोई भी तामझाम नहीं करना है, बस मसालों को मिलाकर भर देना है और तरोई में मसाला भरना भी बहुत आसान है। तो चलिए गैस की तरफ चलते हैं। गैस पर कढ़ाई चढ़ा देंगे और उसमें 4 टेबल स्पून सरसों का तेल डालेंगे। आप इसे रिफाइंड तेल में भी बना सकते हैं। तेल को गर्म कर लेंगे। तेल जब गर्म हो जाएगा तो इसमें कुछ भी नहीं डालेंगे, सीधे तरोई डालेंगे। अब तरोई को कढ़ाई में जगह बनाकर अच्छे से सेट कर देंगे। अगर आप ऐसे भरवा तरोई बनाएंगे तो जो लोग नहीं खाते हैं तरोई, वो भी खा लेंगे। अब इसके ऊपर ये प्लेट में जो कुछ भी बचा है वो भी डाल देंगे। अब कढ़ाई को 6-7 मिनट के लिए कवर कर देंगे। 7 मिनट के बाद ढक्कन हटा देंगे। मैंने इसे बीच में 2 बार चलाया भी था, ध्यान रहे इसे कवर करने के बाद बीच में चलाना भी है। और ये यहाँ पे भरवा तरोई तैयार है, तो गैस ऑफ कर देंगे। तो देखा आपने भरवा तरोई बनाना कितना आसान है। इसे आप पराठा रोटी के साथ सर्व करिए, ये बहुत अच्छी लगती है। दोस्तों, आपको ये रेसिपी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में बताएं। और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब ही नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकन जरूर दबाएं जिससे आपको मेरी नई रेसिपी के नोटिफिकेशन मिलते रहें। धन्यवाद।